हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गोल्डी सिंह और स्वागत है आपका मेरे से यूट्यूब के चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कान्हा जी का एक और नए तरीके से दिखी आपके सामने। आज मैं आपको ये पोशाक बनाना बताऊंगी फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ये चोली बनाना मैंने बताया है। अगर मेरे आप चैनल पे आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके ये चोली कैसे बनाया है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं एबीसी जो ग्रीन कलर का जो धागा है यहाँ से हम लेंगे फ्रेंड्स। ये जो चैन दिख रहा है फ्रेंड्स, चार इस चैन में, इस चैन के अंदर से हम क्रोशिया को इस तरीके से डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस क्रोशिया के अंदर ऐसे डाल करके फिर यहाँ से इसके अंदर से इस तरीके से निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे हम एक चैन लगाएंगे। एक चैन लगाने के बाद जो ये एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम साइड में कर लेंगे और इसमें हम तीन चैन लगाएंगे। तीन चैन लगाने के बाद फिर इसी के अंदर, जिसके अंदर ये बनाया है तीन चैन, इसी के अंदर हम एक बार और डालेंगे और इस तरीके से इसे हम पहले हाफ क्रोशिया करेंगे फिर डबल क्रोशिया करेंगे। एक ही चैन में दो बार बुनना है फ्रेंड्स। आप ध्यान दीजिएगा, ये जितना भी चैन दिख रहा है ये ऊपर इस साइड में, ये पूरा ये बनाते हुए यहाँ से लेकर के इस लाइन को यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। सारे चैन में दो दो बार बनाना है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। इस लाइन को मैंने सारे चैन में दो दो बार बुन करके ये हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। अभी जो हमने तीन चैन लगाए थे फ्रेंड्स, इस चैन के लास्ट वाले चैन के ऊपर डालेंगे ऐसे क्रोशिया को और फिर इसके अंदर से निकाल करके यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे। चैन सिंगल सिंगल बुना है, फिर दो एक ही चैन में दो बार लिया है, फिर तीन चैन में एक एक सिंगल सिंगल लिया है, फिर इस तरीके से इस तरह जैसे बनाया है पूरा लाइन कंप्लीट करना है, यानी ज्वाइन कर लेंगे। जो स्टार्टिंग में जो तीन चैन लगाया था फ्रेंड्स, इसी के अंदर हम ये लास्ट वाले ऊपर वाले चैन के अंदर डालेंगे क्रोशिया को और यहाँ से इस तरीके से निकाल के यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम तीन चैन लगाएंगे, यहाँ लूप लेंगे, फिर जिसमें बुना है उसमें नहीं, नेक्स्ट वाले चैन के अंदर डालेंगे क्रोशिया को और यहाँ से सिंगल क्रोशिया करेंगे फिर डबल क्रोशिया करेंगे फ्रेंड्स। फिर लूप उठाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले चैन में जाएंगे फ्रेंड्स। इसी तरीके से हमने तीन ये बुन लिया, फिर चौथे वाले चैन में हम दो बार बुनेंगे। चैन में एक एक बार बुनना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमारा पूरा यहाँ तक बन गया, ये छह लाइन बन के कम्प्लीट हो गया है फ्रेंड्स। ये हम पूरा बना करके वीडियो से दिखाए हैं कि ताकि फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से ये हमने छह लाइन पूरा बना करके कम्प्लीट कर लिया है। पहले जो फर्स्ट वाला लाइन था फ्रेंड, इसमें मैंने हर चैन में दो दो लिया था, यहाँ पे जहाँ से ये बढ़ रहा है फ्रेंड, सारे चैन में मैंने दो दो लिया है और उसके ऊपर वाला जो चैन है इसमें तीन चैन में सिंगल सिंगल बुना है। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं तीन चैन में तो सिंगल सिंगल बुना है और चौथे चैन में दो बार बुना है, फिर तीन चैन में सिंगल सिंगल बुना है, फिर चौथे चैन में दो बार बुना है। तो फिर इसी तरीके से हमने पूरा राउंड कम्प्लीट किया है ये बना करके। अब यहाँ से हम इसको काट करके हटा देंगे और देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से अलग कलर लगाएंगे। इस चैन के अंदर हम क्रोशिया को डालेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद से फिर हम यहाँ पे इस क्रोशिया को इस अंदर से धागे को इस तरीके से निकाल के से छोटा कर लेंगे, इसमें यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे और जो ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसको साइड में कर लेंगे, इसमें लूप लेंगे और नेक्स्ट वाले चैन में जाएंगे और यहाँ पे तीन से डायरेक्ट एक कर लेंगे, फिर इसमें लूप लेंगे, नेक्स्ट वाले चैन में जाएंगे और यहाँ पे तीन से डायरेक्ट एक कर लेंगे, फिर यहाँ पे लूप लेंगे और नेक्स्ट वाले चैन में जाएंगे और यहाँ पे तीन से एक कर लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, पांच बार बुनने के बाद हम यहाँ पे तीन चैन लगाएंगे। तीन चैन लगाने के बाद फ्रेंड्स फिर इसमें हम इस तरीके से एक लूप लेंगे और इसी चैन के अंदर डालेंगे, फिर इसको हम इस तरीके से बुनेंगे यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर यहाँ पे ये इस तरीके से सर्कल में एक डिजाइन बन जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे से हमें ये लूप लेना है और इसी चैन के अंदर डालना है क्रोशिया को 6 बार। सर्कल के अंदर हमने 6 बार ये क्रोशिया में लूप ले लिया। फिर छठे बार, सातवें बार में हमें इसे डायरेक्ट यहाँ पे 2 करना है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 करने बाद फिर हमें यहाँ पे इसे 1 कर लेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद फिर हम यहाँ पे फ्रेंड्स 3 चैन लगाएंगे। जो ये सर्कल बना हुआ है जिसके अंदर से निकाले हैं, फिर इसी के अंदर से हमें क्रोशिया डाल करके और इसे हमें ज्वाइंट कर देना है यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे हमें 3 से डायरेक्ट 1 करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से डिजाइन बन जाएगा यहाँ पे। फ्रेंड्स जैसे ये बनाया है हमने, ये पे पांच चैन में ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे लूप लेंगे और नेक्स्ट चैन में जाएंगे और यहाँ 3 से डायरेक्ट 1 करना है। फिर नेक्स्ट चैन में जाएंगे, फिर 3 से डायरेक्ट 1 करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ये हमने 5 बार फिर ये बुन लिया है। फ्रेंड्स 5 बार बुनने के बाद फिर हम यहाँ पे 3 चैन लगाएंगे। लगाने के बाद फिर इसमें लूप लेंगे, वाले में डाला है इसी के अंदर डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे हमें इस तरीके से बुनना है। पहले इसको हम इस तरीके से बुनेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर उसके बाद से इस तरीके से पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ बीच में इस तरीके से सर्कल टाइप में थोड़ा सा बन जाएगा फ्रेंड्स। फिर इसमें लूप लेंगे और इसी के अंदर हमें 6 बार डालना है। देखिए फ्रेंड्स 6 बार बनने के बाद ये 6 बार हमने लूप ले लिया है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद ये डायरेक्ट इसे हमें यहाँ पे इस तरीके से करना है फ्रेंड्स। जब इसमें 2 हो जाए फिर इसे हम 1 कर लेंगे। 1 करने के बाद फिर हमें यहाँ पे 3 चैन लगाना है। 3 चैन लगाने के बाद फिर इसे हमें यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। तो ये इस तरीके से डिजाइन बनेगा फ्रेंड। फिर इसमें हम लूप लेंगे, नेक्स्ट चैन में जाएंगे और यहाँ पे हम 3 से 1 कर देंगे। पांच बार बुनने के बाद फिर हम यहाँ पे 3 चैन लगाएंगे। 3 चैन लगाने के बाद फिर इसमें लूप लेंगे और इसी जो लास्ट वाला चैन है इसी चैन के अंदर क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे पहले हम इसे बुनेंगे, फिर डबल क्रोशिया को बुनेंगे, फिर 1 कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से बन के तैयार रहेगा फ्रेंड्स। फिर इसमें लूप लेंगे और इसी के अंदर हम 6 बार डालना है ऐसे लूप लेकर के, एक ही इसी में से 6 बार लूप लेकर के इस तरीके से उठाना है।
है। सातवें बार में हमें पूरा यहाँ पे लेके आना है, इसे इस तरीके से दो करना है। फिर दो करने के बाद फिर फ्रेंड्स इसे हम ज्वाइंट करके एक कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम तीन चैन लगाएंगे। तीन चैन लगाने के बाद फिर फ्रेंड सीसी में जिसमें से हमने लिया है ये यहीं पे ला करके इसे ज्वाइंट कर देना है। फिर एक लूप लेंगे, नेक्स्ट चैन में जाएंगे और यहाँ पे तीन से एक करेंगे। फिर लूप लेंगे और नेक्स्ट चैन में जाएंगे और तीन से डायरेक्ट एक कर देंगे। फ्रेंड्स जो ये बन रहा है डिजाइन, इसी तरीके से ये पूरा बनाते हुए ये पूरा सर्कल में बना करके यहाँ तक लेके आना है इसे, ठीक है फ्रेंड्स। ये इस तरीके से ये डिजाइन बनता जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो हमारा ये राउंड है इस तरीके से पूरा बन के कम्प्लीट हो गया है यहाँ पे। अब ये जो एक्स्ट्रा ऊन है हम यहाँ पे इसे काट के हटा देंगे। ये बनाना तो बता दिए फ्रेंड्स कि ये कैसे बनेगा। अब मैं आपको ऐसे छोटे छोटे फ्लावर बनाना बताऊंगी फ्रेंड्स। ये जो हम बीच में इस तरीके से इस पोशाक पे लगाने वाले हैं ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने ये फ्लावर कैसे बनाया है मैं आपको ये बनाना बताती हूँ फ्रेंड्स कि फ्लावर कैसे बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ब्लू कलर का ये ऊन लिया है फ्रेंड्स, और इसको हम इस तरीके से सर्कल में मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद फ्रेंड्स इसके अंदर से हम क्रोशिया को इस तरीके से डालेंगे और इसके अंदर हम चार चैन लगाएंगे। चार चैन लगाने के बाद जो नीचे वाला चैन है फ्रेंड्स उसको हल्के हाथ से खींच देंगे और इसमें लूप नहीं लेना है। और इस लास्ट वाला जो चौथा लास्ट वाला चैन है इस चैन के अंदर डाल के क्रोशिया को इस तरीके से इसे ज्वाइंट कर देना है फ्रेंड्स। फिर इसमें हमें तीन चैन लेना है और तीन चैन लेने के बाद फिर हम इसमें से लूप लेंगे और इसी सर्कल के अंदर क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे इस तरीके से बुन लेंगे। पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे फिर डबल क्रोशिया करेंगे। ये जो इधर एक तो ये चैन वाला था और तीन बुनने के बाद यानी कि इस तरीके से चार बुनने के बाद और ये पांचवे बार में हम इसमें लूप नहीं लेना है और इस सर्कल के अंदर डाल करके ऐसे और इसे छोटा करके बिल्कुल यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है इस तरीके से। फिर यहाँ पे हम तीन चैन लगाएंगे। तीन चैन लगाने के बाद फ्रेंड इसको साइड में करेंगे, इसमें लूप लेंगे और इसी सर्कल के अंदर डालेंगे क्रोशिया को। पहले इसे सिंगल क्रोशिया करेंगे फिर इसे डबल क्रोशिया करेंगे। फ्रेंड्स इस तरीके से बुनने के बाद चार बार बुनने के बाद फिर इसमें हमें लूप नहीं लेना है, डायरेक्ट सर्कल के अंदर डालना है क्रोशिया को और ऐसे करके इसे ज्वाइंट कर देना है। फिर इसमें हम तीन चैन लेंगे, फिर इसमें लूप लेकर के इसे सर्कल के अंदर डालेंगे क्रोशिया को और इसी तरीके से इस छोटे से फ्लावर को बनाना है। फ्रेंड्स ये फिर जब चार बार ऐसे घूमने के बाद एक ही सर्कल में फिर ये जो लास्ट पांचवा वाला होता है फिर इसमें हमें लूप नहीं लेना होता है, डायरेक्ट इस सर्कल के अंदर डालेंगे क्रोशिया को और यहाँ पे इस तरीके से छोटा कर लेंगे। यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया मैंने छोटा करके। ज्वाइंट करने के बाद फिर इसके पीछे हम इसमें से किसी एक में से हमें इस तरीके से ले करके क्रोशिया को और यहाँ पे हमें पीछे ज्वाइंट कर देना है। फिर जो एक्स्ट्रा ऊन है यहाँ से हम काट के हटा देंगे।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा फ्लावर बन गया है। अब हम इस फ्लावर को इस पे हम लगाएंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले ये जो हमने इस पे रेड कलर का बनाया है, ये चीज थोड़ा सा ग्रे डिजाइन रहेगा, तो यहाँ पे इसे ज्वाइंट करने से पहले हम यहाँ पे भी एक लाइन और ब्लू कलर का इस पे लगाएंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक बार एक लाइन ब्लू कलर का भी बनाएंगे, तो ये इस तरीके से डिजाइन हो जाएगा। ये इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे कि ये जो बना हुआ है इसके अंदर क्रोशिया को, नेक्स्ट वाले क्रोशिया को इसके अंदर डालेंगे और यहाँ से इसके अंदर निकाल करके इसमें से ऐसे कर लेंगे। इसमें से ऐसे लूप नहीं लेना है, डायरेक्ट इसके अंदर डालना है क्रोशिया को और इसके अंदर से इस तरीके से बनाते हुए लेके आना है। इस तरीके से गले पे इस तरीके से ये डिजाइन बन गया है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हमने सुई में ब्लू कलर का ये धागा लगा ली, ऊन लगा लिया है फ्रेंड्स, इस कलर का ऊन लगा लिया, इस फ्लावर कलर का मैंने इस सुई में ऊन लगा लिया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीन लाइन छोड़ करके चौथे लाइन में हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे इस फ्लावर को, ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके नीचे से हम इस सुई को डालेंगे।
आप मेरे चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुरू से लास्ट तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत